शिव घोर हैं, शिव अघोर हैं? देखिए, शंकर भगवान को लोग अघोरी कहते हैं। घोर का मतलब है क्रोध से, घोर का मतलब है कि भयंकर से, पर अघोर का मतलब है भयंकर नहीं, नम्र। अघोर का मतलब है कि जिसने करुणा करी हो, निर्मल एकदम। निर्मलता। अब दुनिया के लोग उसको अघोरी कहते हैं, वो कहते हैं कि अघोरी है, भस्म धारण करने वाले हैं, या बहुत सारा अपने तन पर भस्म रमाने वाले हैं, बहुत कुछ गंदगी अपने शरीर पर धारण कर लेते हैं। तो ये दुनिया लोग समझते नहीं है, अघोर और घोर में अंतर है। अघोरी का मतलब ये होता है कि जिसने पूर्ण चेतना प्राप्त करी। अघोरी का मतलब है जो स्वयं भगवान की भक्ति में इतना रम गया कि उसे कोई मतलब नहीं संसार सागर से। मेरे शंकर को अघोरी कहना, अर्थात दुनिया के लोग जान नहीं पाते इसलिए उसको अघोरी कहते हैं। नहीं तो मेरा शंकर तो वो है जो करुणा की मूर्ति है, साधना की मूर्ति है, तप की मूर्ति है, वात्सल्यता की मूर्ति है, निर्मलता की मूर्ति है, और एक आनंद देने की मूर्ति है, वो शिव है। घोर क्रोध है, मेरा शंकर अघोर क्रोध से दूर है। पूरी शिव पुराण में कहीं पर भी शंकर को भयंकर नहीं बताया। पूरे 24,000 श्लोक में शिव महापुराण के शंकर भगवान को बहुत क्रोधीला नहीं बताया, बहुत भयंकर नहीं बताया। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में मेरे शंकर भगवान को एकदम अघोरी, एकदम निर्मल, एकदम वात्सल्यपूर्ण बताया है कि हर जीव का कल्याण करने वाला है, चाहे एक साधारण सी बेलपत्र चढ़ाने वाला जीव हो, चाहे वो जल चढ़ाने वाला।